बच्चन का दूसरा गीत है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए न पथवी रात कहीं, मंजिल भी तो अब दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी, जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि ने इस गीत के माध्यम से प्रकृति की दैनिक परिवर्तनशीलता को, मानव के प्राणी वर्ग के धड़कते हृदय की आवाज को सुनने की कोशिश की है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान पड़ो में चिड़िया की, भरती कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूं किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर्मे विहवलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कितनी तेजी से समय निकल रहा है, हमारी प्रत्याशा में कौन है, हम किसके निमित्त विकल हैं, यह सब सोचकर कवि के मानस में एक उद्वेलन होता है। इस गीत के माध्यम से कवि प्रकृति की दैनिक परिवर्तनशीलता के संदर्भ में प्राणी वर्ग के धड़कते हृदय को सुनने की काव्यात्मक कोशिश करता है। किसी प्रिय आलंबन या विषय से भावी साक्षात्कार का आश्वासन ही तो हमारे जीवन में, हमारे पगों में चंचलता भरता है, अन्यथा हम तो फिर शिथिलता और जड़ता को अभिशप्त हो सकते हैं। कभी इस गीत के माध्यम से पंथी के पगों में एक विद्युत गति भरना चाहता है, हमारी आशा हमारे पगों में तीव्रता लाती है और हम तेजी से अपने गंतव्य की ओर बढ़ना चाहते हैं। मानव तो मानव, पंछी भी, पंछी के बच्चे इस आशा में होते हैं कि दिन भर चुप कर उनके माता पिता उनके लिए कुछ भोजन की सामग्री ला रहे होंगे, यह आशा कि मेरे बच्चे घोंसले से झांक रहे होंगे, नीड़ों से हमारी प्रत्याशा में होंगे, यह सोचकर थकी हुई चिड़िया के पांव में भी उड़ान की गति तीव्र हो जाती है, तीव्रता के साथ चिड़िया आगे बढ़ती है। सांझ घिरते ही पथिक भी लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ता है, उसके कदम तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं, उसे भय होता है कहीं रास्ते में ही ना रात्रि घिर आए, रजनी के इस तमश में, रजनी के इस अंधकार में हम कहीं खो न जाएं, इस भय से उसके पांवों में एक तीव्र गति आती है। जीवन पथ पर चलते हुए व्यक्ति जब अपने लक्ष्य के निकट होता है तब उसके पांवों में तीव्रता आती है, उसकी थकान एक ओर उसे घेरती है लेकिन सामने दिखाई देता हुआ लक्ष्य उसे अपने गंतव्य तक पहुंचने को प्रेरित करता है, उसके अंदर उत्सुकता भरता है, उसके अंदर वेग भरता है और उस वेग से मनुष्य पथिक तेजी से आगे की ओर। हम सब इस संसार में पथिक ही तो हैं, जीवन लक्ष्य तक पहुंचना हम सबों का एक पावन उद्देश्य होता है। पंछी भी बच्चों की चिंता में तेजी से पंख फड़फड़ाते हुए, अपने पंखों में तेजी से गति लाते हुए तीव्रता से आगे बढ़ते हैं। अपनी संतान से मिलने की चाह सिर्फ चिड़िया में नहीं, मनुष्य में भी, अपने प्रियजनों से मिलने की चाह हम सबों के हृदय में होती है और हम सब इस आशा से कि इस व्यक्तित्व, हमारे व्यक्तित्व में कवि एक नई चेतना का संचार करना चाहता है, एक नई चेतना भरता है जिससे कि जीवन में हमारी आशा हमें तेजी से आगे की ओर ले जाए। हर प्राणी आतुर होता है, मानव भी आतुर होता है और जीवन में उसी आशा की डोर से बंधकर वह तेजी से आगे बढ़ता है, उसकी शिथिलता समाप्त होती है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा जीवन नीरस हो जाएगा, हमारे जीवन में कहीं अगर आशा किसी कारण से लुप्त हुई तो निराशा के बादल आ जाएंगे और उस निराशा के बादल के बीच हम चाह कर भी प्रेम का संचरण नहीं कर सकते। रात जीवन में निराशा का प्रतीक है, इसलिए उसके आने के पूर्व ही दिन की आशा में हमें इस तीव्रता के साथ अपने गंतव्य की ओर बढ़ने की चेष्टा करनी चाहिए जिससे कि जीवन लक्ष्य हमें हासिल हो सके। अपने इस दूसरे गीत के माध्यम से कवि ने प्रकृति के साथ मानव के क्रियाकलापों को जोड़ा है। प्रकृति भी सुबह से शाम का होना इस बात का एहसास है, रात्रि
मानो सुबह की सूरज की आशा है, इस आशा में हम आगे बढ़ते हैं। हमारे जीवन में भी जब कभी दुख आए, पीड़ा आए, अवसाद आए, हमें यह सोचना चाहिए कि सुख हमारे नज़दीक है। यह कविता प्रेरणा देती है वैसे लोगों को जो जीवन पथ में चलते हुए कहीं ना कहीं थकान महसूस करते हैं, कहीं ना कहीं वो ये महसूस करते हैं कि अब गंतव्य तक पहुंचना उनके वस में नहीं। लेकिन जो ही एक आशा की किरण उन्हें दिखाई देती है कि अरे गंतव्य तो बस अब मेरे सामने है, उस थके हुए मनुष्य के पाँव में भी विद्युत गति का संचार होता है और वह तेजी के साथ आगे बढ़ता है। उस आशा को और भी जो विशेष तीव्रता देने वाली चीजें होती है वह होती है अपनों से मिलन की लालसा। जैसे माता पिता बच्चों से मिलने के लिए, कोई प्रेमी हृदय अपनी प्रेयसी से मिलने के लिए आतुर होता है, उसी वेग से जब मनुष्य आगे बढ़ता है तो उसके जीवन का यह जो स्वरूप है वह बदलता है, जिसमें कहीं न कहीं से अवसाद घिरने की बात आती है, अवसाद के बादल छट जाते हैं और आशा की नई किरण आती है जो हमें गंतव्य तक ले जाती है और हमारे जीवन का लक्ष्य पूर्ण होता है। आशा है इस कविता के माध्यम से आपने जीवन की वह शिक्षा पाई होगी जिसमें हमें आगे बढ़ने की, हमें बीच बीच में मिलने वाली बाधाओं से न ठहरने की प्रेरणा मिलती है, उन बाधाओं पर हमें विजय प्राप्त करना है और लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते जाना है ताकि हमारा जीवन लक्ष्य पूरा हो सके। आशा है आप इन दोनों ही गीतों को समझ गए होंगे। अब इन दोनों ही गीतों से संबंधित प्रश्न मैं अगले वीडियो में डालने का प्रयास करूंगा, साथ ही साथ फीचर लेखन की कला के संदर्भ में मैं अगले वीडियो के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करूँगा।